अस्सलामुअलैकुम। फिजिक्स क्लास 10 की नई बुक चैप्टर 10 है, उसके हमने कंप्लीट कर लिया। उसके आज हम वर्क एग्जांपल करेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन तो हम पहले कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है इसी वीडियो में दे दूंगी, आप उसके बाकी के जो पार्ट है वो देखते हैं। अगर आपने उसको समझा हुआ होगा तो फिर वर्क एग्जाम्पल करनी बहुत आसान होंगी, और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे वर्क एग्जाम्पल के बाद। अब पहली एग्जाम्पल है इसकी, वर्क एग्जाम्पल 1 है। द गिवन फिगर शोज अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू राइट विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इस जो हमें ये फिगर दी है, इसमें इन्होंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ दिया है एक वेव का, जिसकी स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड है। वॉट इज टाइम पीरियड, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फाइंड करना है, और पार्ट बी कैलकुलेट द वेव लेंथ भी फाइंड करना है। तकरीबन सब चीजें फाइंड करनी है, और गिवन हमें सिर्फ क्या है, वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड, डेटा बनाते हम 4 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी है। और ये देखें टाइम, ये इन्होंने इस साइड पे जो जितना वो डिस्टेंस तय करी है वो इस साइड पे दिए ग्राफ में, और इधर एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम प्लेस करा है, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.7, इस तरह करके टाइम है, और यहाँ 5 और 10 है। अब जो है इसको हम करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, और हमें वेवलेंथ यानी लैम्डा फाइंड करना है। ये सब चीजें हमें फाइंड करनी है। अब जो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, इसको देखें हम, ये यहां से यहां तक 0.1 टाइम में आ रही है, तो जब ये एक पूरी वेव पूरी करेगी, ये वेव यहां से स्टार्ट होगी और यहां जाके खत्म होगी इस जगह पे। अब हमें यहां से यहां तक का टाइम नोट करना पड़ेगा। ये देखें किस तरह से, यहां तक 0.1 है, यहां पे होगा 0.2, इस जगह 0.3, फिर यहां पे होगा 0.4। तो इसका मतलब है इसका जो टाइम आ रहा है हमारे पास, टाइम पीरियड आ रहा है 0.4। इस फिगर से हमने इसका निकाल लिया, क्योंकि एक वेव इधर से स्टार्ट होकर इधर एंड हुई है ना, ये एक वेव है, तो एक वेव का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा हमारा टाइम, इसका टाइम पीरियड। तो हम लिखते हैं फिर इसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड, टाइम पीरियड निकल आया। उसके बाद हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है इसको स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं, ये होती है 1/T, यानी ये जो टाइम पीरियड आया है इसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आती है। अब हम करके देख लेते हैं डिवाइड, वन डिवाइडेड बाय टी कितना है, 2.5 आ गई हमारे पास। लिख लेते हैं इसको, 1 डिवाइडेड बाय 0.4 विल बी इक्वल्स टू 2.5। ये इसको हम लिखेंगे हर्ट्ज, HZ, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होता है हर्ट्ज, और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। उसके बाद हमें निकालना है, ये तो हमारा पार्ट ए हो गया पूरा, ए के हमने दोनों चीजें निकाल ली। अब हमें बी में क्या निकालना था, बी में हमें लैम्डा फाइंड करना था, वेव लेंथ निकालनी थी। वेव लेंथ हम जानते हैं वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा के, हमें लैम्डा फाइंड करना है, हम लैम्डा को अकेला छोड़ देते, एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वी के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे लैम्डा विल बी इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय एफ। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 सेकेंड, 4 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकली थी 2.5, फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पे हम 2.5 लिख देते हैं, 4 को 2.5 से डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2.5, 1.6 हमारे पास आंसर आ गया, 1.6 मीटर, ये हमारे पास लैम्डा निकल आया। एक आंसर हमारा ये है, एक ये है, और एक ये है, ये तीनों हमारे पास इसके आंसर आ गए। लेकिन देखने में बहुत मुश्किल सवाल था, करने में बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वर्क एग्जांपल 2 है। अ फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू द वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। इट टेक्स 4 सेकेंड for the boat to travel from highest to the lowest point, a total distance of 3 meter. इस क्वेश्चन कहते हैं कि फिशर मैंने नोटिस किया कि उसकी बोट जो है मूविंग ऊपर और नीचे वेव्स के ऊपर अप एंड डाउन चल रही है, और एक जो उसका हाइएस्ट पॉइंट है उससे उसको लोएस्ट पॉइंट पर आने में तकरीबन 4 सेकेंड लग रहे हैं, 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और उसके डिस्टेंस कितना हो रहा है, इसमें डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 3 मीटर।
ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट पे आने में उसको 3 मीटर कवर करना पड़ रहा है और 40 सेकेंड के टाइम के अंदर 3 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं, ही सीज दैट वेव क्रेस्ट आर स्पेस्ड 8 मीटर अपार्ट। और उसने ये देखा कि एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक का जो फासला है वो 8 मीटर का है। तो ये एक क्रेस्ट ये रहा, एक क्रेस्ट ये रहा, ये हमने ऐसे ड्रॉ करिए ताकि ईजी हो जाए समझने में। और ये हमने एक बोर्ड बनाई है, जैसे फिशरमैन जो है इस जगह से इस जगह तक आने में उसको 3 मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है हाईएस्ट से लोएस्ट पे, और 4 सेकंड लग रहे हैं। और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। अब हम डेटा बनाते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें फाइंड क्या करना है। ए है हमारा फाइंड करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ, सब कुछ फाइंड करना है। और बी में हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग, वेव्स की वेलोसिटी मालूम करनी है, वेलोसिटी ऑफ वेव, कि वेव्स कितनी वेलोसिटी से जा रही हैं। डेटा बनाते हैं सबसे पहले ए वाले का। ए में हमें सबसे पहले फाइंड करना है टाइम पीरियड, हमें चाहिए कि हम इसको इस तरह से लिख लें, लिख भी सकते हैं टाइम पीरियड। दूसरे में हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड लिख लेते तो ज्यादा अच्छा था। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है हमें, फ्रीक्वेंसी को एफ से करते हैं। और उसके बाद हमें एम्पलीट्यूड मालूम करना है, एम्पलीट्यूड को ए से लिखेंगे। और फोर्थ नंबर पे हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। इसका पार्ट वन है, टू है, और ये थ्री है, और ये फोर है। तो सबसे पहले हम नंबर वन फाइंड करते हैं, टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी किसके बराबर होगा, टाइम पीरियड टी जो है, अब ये देखें यहां से इसको इस जगह से हाफ डिस्टेंस तय करने में 4 सेकंड लग रहा है। तो इसको तो इस जगह तक आना है ना, इस जगह तक आने के लिए इसको अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो इसको इतना ही फासला, इतने ही टाइम और लगेगा क्योंकि ये हाफ है इसका। तो यहां से यहां तक आने में इसको 4 सेकंड लगे थे, तो इसको डबल कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो 4 × 2 कर देते हैं, 4 × 2 आ जाएगा हमारे पास 8 सेकंड। क्या हमारे पास टाइम पीरियड आ गया कि एक वेव से दूसरी वेव, एक पूरी एक वेव का डिस्टेंस जो होगा उसको कवर करने में इसको 8 सेकंड लगेंगे। पार्ट टू हमें फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/T रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, यानी जो टाइम पीरियड है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। टाइम पीरियड क्या आया था 8, 8 को 1 से डिवाइड करके देखते हैं हम क्या आता है हमारा, 1/8, 0.125 फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, 0.125 हर्ट्ज। एच जेड होती है फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की सेकंड होती है और इसकी होती है हर्ट्ज। थर्ड पार्ट हमें फाइंड करना है, थर्ड पार्ट था हमारा एम्पलीट्यूड, ए फाइंड करना है। ए जो है डिस्टेंस जो हमारे पास है, जो हमें गिवन डिस्टेंस है कितना है 3 मीटर, यहां लिख लेते हैं वैसे तो जरूरत नहीं है, डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। डिस्टेंस है हमारे पास 3, उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस का हाफ होता है एम्पलीट्यूड, 3.0 / 2 1.5 मीटर, एम्पलीट्यूड का भी मीटर यूनिट होता है। उसके बाद जो है नंबर 4 पॉइंट हमें निकालना है वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का डिस्टेंस। तो हम लिखते हैं इसको डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive crests, दो बड़ा साथ साथ की जो करीब करीब क्रेस्ट होते हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वेवलेंथ होता है, 2 consecutive crests होता है लेमडा। और इसमें कितना दिया हुआ है हमें, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का 8 मीटर हमें गिवन था। इन्होंने सिर्फ इसलिए ये पूछा होता है ताकि पता चल सके कि बच्चों को समझ भी आ रहा है क्वेश्चन या नहीं। ये हमारा पार्ट ए सारा हो गया। बी में हमें फाइंड करना था वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर हमें फाइंड करनी है। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, अभी निकाली थी हमने 0.125,
और वेवलेंथ कितना है हमारा, वेवलेंथ है 8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.125 मल्टीप्लाई बाय 8, आगे हमारे पास 1, यही इसका आंसर है 1.0 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होता है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन कितना इजी था, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था बट इतना मुश्किल था नहीं है। वर्क एग्जांपल 3 है, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी दोनों मालूम करनी है, जबकि उसकी लेंथ इन्होंने हमें गिविन करी है 1 मीटर और जी की वैल्यू दी है 9.8। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। एल इज इक्वल टू कितनी है लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू एल, और एल हमें गिविन है 1 मीटर 1.0 मीटर। जी है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई हमारा, यहाँ पे भी स्क्वायर आता है, जी आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमें फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी। एफ भी हमें फाइंड करनी है, इसमें टी है जो हमें फाइंड करना है, टी पहले हम टी निकालेंगे और टी का 1 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पहले हम टी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन जी और इसमें होता है अंडर रूट। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी हमें फाइंड करना है, 2 तो कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो कि 3.14 होती है। 3.14 कह लें या 22 डिवाइडेड बाय 7, 22 को 7 से डिवाइड करें तो 3.14 ही आता है। चाहे तो यहाँ डेटा में लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पाई अंडर रूट एल, एल की वैल्यू हमारे पास है 1.0 और जी है हमारे पास 9.8। अब हम ये करते हैं, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं। 1.0 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आ गया हमारे पास 0.102040। तो ये मैं लिख लेती हूँ उधर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.102040, इतना ही काफ़ी है। और इसके अंदर अभी ऊपर अंडर रूट बाकी है ना, वो अभी हमने ख़त्म नहीं करा। अब हम इसका अंडर रूट करते हैं, इस वैल्यू का हम लिखते हैं अंडर रूट 0.102040, ये हमने लिखा, इक्वल करा, इसकी वैल्यू आ गई 0.13943, ये रूट की वैल्यू आ गई 0.31943। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब इसको, इस वैल्यू को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 2.006। टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2.006, ये हमारा इसका आंसर है सेकेंड। टाइम पीरियड निकल आया। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T होता है, टी की वैल्यू है 2.006 लिखी, उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2.006, ये आ गया हमारे पास 0.49850, वैल्यू आ गई 0.49850। ये बुक से थोड़ी सी चेंज बुक में आ रही है 0.5, तो 49 का मतलब है, आपको पता है 1 जो है 49 के बाद देखें 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए 1 प्लस हो जाएगा तो ये 0.5 ही बन जाएगा, 1 इधर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्स एग्जैक्ट 0.50 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी निकल आई। वर्क एग्जाम्पल 4 है, पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड, हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड।
जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसमें कहते हैं कि एक पेंडुलम क्लॉक है, उसके पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसको कितना लंबा होना चाहिए कि उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो जाए और जी जो है वो 9.8 हो। तो हमें असल में उसकी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है, पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी है। हम डेटा बनाते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो कि होता है एल, हमें एल फाइंड करनी है इसके अंदर। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास टाइम पीरियड कितना है हमारा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सिर्फ 1 है। उसके बाद है जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पाई भी है हमारे पास, पाई की वैल्यू वो होती है 22 डिवाइडेड बाय 7, उसको डिवाइड करते हैं हमारे पास होता है 3.142। ये हमारा डेटा हो गया। अब इसके बाद हम इसमें फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या होता है टी का, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन जी और इसमें होता है अंडर रूट। अब हमें फाइंड आउट करना है एल और एल के ऊपर है अंडर रूट। अब ये अंडर रूट को तो हमें खत्म करना पड़ेगा, अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 और पाई पे भी स्क्वायर आ जाएगा और एल और जी इनका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे। इन पे स्क्वायर इसलिए आया है, ये स्क्वायर इसलिए होगा कि इन पे तो रूट नहीं था, जो रूट था वो रूट कैंसिल हो गया, वैसे ही वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला बन गया, हमें एल फाइंड करना है, एल को सेपरेट कर देते हैं हम, तो एल के साथ जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं ये टी स्क्वायर है हमारा अपनी जगह पे, 4 पाई स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और जी जो था डिवाइड हो रहा था एल पे, टी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब जो है इसके अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1 पे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 है, और पाई की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर करना है 3.142 का स्क्वायर करना है। अब इस सबको हम कैलकुलेटर में डालते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। 9.8, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 ही आ जाएगा ऊपर, तो और 3.14 का स्क्वायर करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 स्क्वायर आ गया 9.8 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ गया हमारे पास 39.43। अब 9.8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9.8 को इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 39.43 इक्वल आ गया हमारे पास 0.2485। ये आंसर हमारा आ गया 0.2485 मीटर। किताब से आप देखें तो उनका 0.25 है, 0.25 इसलिए मैच नहीं हो रहा, अब 0.24 है यहाँ पे 8 है, 8 क्योंकि बिगर देन 5 है तो इसलिए 4 के साथ 1 प्लस हो जाएगा तो हमारी लेंथ बन जाएगी 0.25 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।